अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में ब्रह्मपुरी की एक सैनी युवती को गैर संप्रदाय के युवक द्वारा भगा ले जाने की घटना तूल पकड़ती जा रही है। शुक्रवार को कचहरी परिसर में युवती के परिजनों से जहां मारपीट करने का आरोप है, वहीं इस बारे में हिंदू जागरण मंच के सह संयोजक प्रदीप कौशिक व मंच के मेरठ महानगर अध्यक्ष ललित गुप्ता द्वारा जब एसपी सिटी पीयूष सिंह से वार्ता की गई तो यह मामला और तूल पकड़ गया। एसपी सिटी से हुई वार्ता का ऑडियो भी तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल ऑडियो में एसपी सिटी को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि आप लोग मेरी नज़र में चढ़ रहे हो, हर जगह जहां भी विवाद होता है नज़र आते हो। क्या संगठन ने यह लिखकर आपको अधिकृत कर रखा है कि जहां भी हिंदू युवती के साथ कुछ होगा तो वहां इन्हें जाना पड़ेगा? एसपी सिटी ने यह भी कहा कि उनके पास सभी की कारगुजारियां, कर्म, चरित्र, क्रियाकलाप आ चुके हैं। रही बात शोभा देने की तो मुझे क्या शोभा देता है, यह मुझ पर छोड़ दो। इसके जवाब में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर हमारे क्रियाकलाप आपको पता है तो हमें भी पुलिस के क्रियाकलाप पता है। सुनिए तीनों के बीच हुई हॉट टॉक का वायरल ऑडियो। हेलो, नहीं साहब, हिंदू जागरण मंच मेरठ महानगर अध्यक्ष बोल रहा था, ललित बताइए। एक ब्रह्मपुरी वाला केस, लड़की वाला वहाँ पे ध्यान के लिए गई हुई थी और जो उसके साथ वाक्य वहाँ पे किया उस परिवार ने, खानदान ने, उसके मुंडन धर्मी के बाप भी वहाँ पे था, उसके वकील वहाँ थे, चुपटा चुपटी हुई है, लड़की को छीना झपटी हुई है, मार पिटाई की। लड़की ने बयान क्या दिया? लड़की ने बयान दिया वो मालूम नहीं है अभी क्या दिया है, अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको मालूम है गुप्ता जी। सुनो ललित जी, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि आप धीरे धीरे मेरी नजर में आ रहे हैं। जी बताइए, कृपया चल रहा है लगातार, बताइए बताइए। ठीक, हाँ जाके पता करिए लड़की ने क्या बयान दिया, किसके पक्ष में बयान दिया। मोहरा बनाना सीख गए तुम लोग है, खाली पुलिस को इस्तेमाल करना सीख गए? नहीं, पुलिस को इस्तेमाल क्या किया पुलिस को? कोई पंचायत नहीं बनाया गया पुलिस को, वो बताया गया जो वाक्य वहाँ पे हुआ है। बता रहे वाक्य को मालूम पूछ रहा है, हर मामले तुम घुसे हुए हो, ब्रह्मपुरी थाना हो चाहे कहीं का कुछ हो, यहाँ देखो वही ललित गुप्ता, ललित गुप्ता घुसा हुआ है। क्या कुछ है तुम्हारे बच्चे? भाई साहब, प्रदीप कौशिक बोल रहा था, हिंदू जागरण मंच का महामंत्री। बताओ। बताना कुछ नहीं, यदि कोई महानगर का अध्यक्ष होगा और वो आपसे बात करेगा तो आप ये कहेंगे कि जी हर जगह आप बड़े हुए हो, ये तो पुलिस से, हम तो हर जगह पुलिस से मदद मांगते हैं। आप उनके पैरोकार हैं? पैरोकार नहीं, मैं भी संगठन का ही महामंत्री हूँ भाई साहब। ठीक है, तो संगठन संभालो ना। नहीं, संगठन संभालने, संगठन में हमारी जिम्मेदारी है ना। ये कौन सी जिम्मेदारी? कभी कहीं हिंदू लड़की के संग कोई बात होगी तो उसमें जाना पड़ेगा हमारे को? जरा मुझे संगठन में जहाँ लिख के दिया हो कि जहाँ हिंदू लड़की का कुछ बात हो वहाँ जाना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी वाला कॉलम मुझे भेज दो। नहीं नहीं, हमारे हमारे को पता है ना ये बात, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप पूरे मेरठ में जा रहे हैं, आप नजरों में आ गए तो फिर हम घर बैठ जाए? नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है ना समाज सुधार की, वो मुझे दे देना। अच्छा अच्छा अच्छा, यदि कहीं जाएंगे तो आप कह रहे हैं ना कि मैं नजरों में आ गए, ये बात पूछ रहा हूँ। बता रहा हूँ तुम्हें, जहाँ पे जिम्मेदारी लिखित में दी गई हो वो कागज मुझे जरा दे। चलो, आप यदि कोई शहर का व्यक्ति जिम्मेदार कोई काम जाएगा तो आप ये बात, जिम्मेदार हो तब तो। नहीं, जिम्मेदार है भाई साहब। अरे कितने जिम्मेदार हो संभालो सबका। अच्छा, यहाँ ना बताया करो मुझे कि हम जिम्मेदार हैं और कौन गैर जिम्मेदार है। सबके चरित्र, सबके कर्म, सबके क्रियाकलाप ये सब अब मेरे सामने आ चुके हैं। नहीं, हमें भी पता है भाई, तो आप दूसरे आदमी को उंगली उठाएंगे तो कोई आप पे भी उठाएगा। उठाने दो, जब मिल जाए उसके पास प्रमाण तो कर देना। हाँ, तो प्रमाणित है, यहाँ कोई चीज छिपा थोड़ा है। हाँ नहीं, वो तो सारी बात पता है, लेकिन आपको ये शोभा नहीं देता। आप इतने बड़े पद पर है भाई साहब, आप इतने बड़े पद पर है, शहर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन आपको ये शोभा नहीं देता। मैंने कहा ना, मुझे सबके सब चरित्र मालूम है कौन क्या है। हाँ, हमें भी पता है पुलिस के फिर चरित्र, यदि आप हमारे चरित्र पता है तो हमें भी पता है पुलिस के क्या चरित्र है, तुम पता। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के बात करिएगा। नहीं नहीं, आप मत चिंता करिए, मुझे क्या ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है, कितना ध्यान रखना है, ये सबकी जानकारी है। ठीक है, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।